एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं लंच और ब्रेकफास्ट जो इकट्ठा ही बना रही हूँ, तो मैं आज बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मैंने ना ये सोयाबीन ले ली थी और इनको थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के गर्म कर लूँगी इनको थोड़ी सा, और ये आलू भी ले लिए हैं, वॉश कर लिए हैं। और हस्बैंड बोले कि चलो मैं तेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दूँगा, वो कट कर देंगे आलू को, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी, उनको कहीं जाना था, तो इसलिए आज ब्रेकफास्ट और जो है लंच इकट्ठा ही बन रहा था। और बस मैं दो प्याज दे दूँगी उनको, सब्ज़ी वगैरह तो वो कट कर देंगे, काफ़ी हो जाती है मॉर्निंग में इतनी सी भी हेल्प, बहुत बड़ी बात है ये भी। तो बस ये रात के बर्तन रखे थे और इनको लगा दूंगी मैं, पहले तो काफ़ी सारे हो गए थे ना तो मैंने लगाए नहीं थे, मैंने सोचा चलो पहले इनको लगा देती हूँ। और बर्तन वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी तड़का लगाने सब्जी में, तो मैंने ये डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, और ये प्याज कट हो गए थे, दो प्याज थे ये, और दो तीन ही मैंने टमाटर डाल लिए थे, क्योंकि जितने ज़्यादा टमाटर डालेंगे इस सब्ज़ी में उतने ही टेस्टी बनेगी, उतने ही टेस्टी बनेगी। और ये तीन टमाटर ले लिए थे मैंने, और तीन चार हरी मिर्च ले ली थी, बस इनको भी मैंने कट कर लिया था। और मेरा तेल जो है गर्म हो चुका था, अब मैं इसमें जो जीरा डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूंगी, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है सब्जी बनाने का, और मैं सब्जी में ज़्यादा मसाले तो यूज नहीं करती हूँ। और जीरा और हींग पकने के बाद अच्छे से बस फिर प्याज डालनी है, और प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही ब्राउन, लाइट ब्राउन करना है, हल्का सा ही लाइट ब्राउन करना है बस, ज़्यादा नहीं पकाना है। और जब हमारे प्याज पक गए थे तो मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च कटी हुई। और ये देखिए हमारा मसाला जो अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से पक गया है। जब तक तेल नहीं छोड़ देता ना तब तक पकाना है हमें मसाले को। और ये सोयाबीन जो है मैंने अच्छे से निचोड़ ली है पानी में से, जो पानी गर्म पानी में भिगोई थी ना मैंने, ये वो अच्छे से निचोड़ ली है, क्योंकि निचोड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पानी को भी हम यूज कर सकते हैं बाद में, क्योंकि अगर हम इनको अच्छे से पानी नहीं निकाल लेंगे तो ये जो मसाला होता है हमारा इसके अंदर नहीं जाएगा और फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, मसाला ये पानी जो है पूरा निचोड़ लेना है। बस मसाला तैयार होने के बाद आलू डाल दिए थे मैंने और फिर ये सोयाबीन डाल दी थी, और जितना भी हमें पतला टाइट रखना है उसके अकॉर्डिंग ही पानी डाल देना है। वैसे मुझे तरी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड को भी तरी वाली ही सब्ज़ी पसंद है, मुझे तरी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी जो है बहुत कम पसंद है। तो बस मैं पानी डाल लूँगी, जितनी भी हमें थिक मतलब पतली रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पानी डाल लिया था। और बस इसमें दो तीन सीटी आने तक रख दूंगी, उसके बाद मैंने सोचा चलो तब तक आटा लगा लेते हैं, हमारी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और आटे में ना मैंने सोयाबीन का दूध बनाया था आज, वो सोयाबीन बचती है ना, और दूसरी वाली सोयाबीन है, सोयाबीन वाली दाल वाली का दूध बनाते हैं मेरे हस्बैंड, सोयाबीन दाल होती है ना जो, उसका दूध बनाते हैं, और जो बच जाता है ना छानने वगैरह के बाद, वो मैंने आटे में सोचा चलो फेंकने से किस चीज़ अच्छा का है, इसको आटे में मिला लेती हूँ। पता है जी आपको सोयाबीन का दूध है ये, फिर किसी दिन इसकी रेसिपी शेयर जरूर करूँगी आप लोगों के साथ। देखिए इलायची वगैरह डाल के तैयार किया है ये, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए ये। क्या प्रोटीन शेक मॉर्निंग प्रोटीन शेक। खीरे कट कर लिए हैं सैलेड के लिए,
मिला तो लो। तो सब्जी बनके रेडी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ने जो है देखिए प्लेट में ही डाल ली, क्योंकि उन्हें को थोड़ी जल्दी थी जाने की और सोचा कि इसमें जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये तीनों इन्होंने ना जो प्लेट में ही डाल ली है सब्जी। बस हस्बैंड ने और बेटे ने खाना खा लिया था और मैंने अपने लिए भी प्लेट लगा ली है। ये एक हरी मिर्च रख ली है, बस मैंने सोचा चलो किचन में बैठ के ही खाते हैं आज तो मैं किचन में ही बैठ गई थी, किचन में ही खा रही थी खाना। और बस उधर जो है बेटा भी नहा लिया था और नहाने के बाद जोत वगैरह लगा दी थी और ये पढ़ रहा था हनुमान चालीसा। और इसके बाद जो है ये पानी लिया है इसने और शिवलिंग पे जल चढ़ाता है ये सुबह उठते ही, मतलब नहाने के बाद। बस वही काम कर रहा था अपना जो रूटीन का काम होता है उसका। तो इधर छत पे रख दिया मैंने अब शिवलिंग को, पहले मैंने दूसरी साइड रखा था क्योंकि बोलते हैं ना घर के मंदिर में तो नहीं रख सकते, मैंने बहुत से लोगों से सुना है। और इधर कपड़े भी मेरे थोड़े थे और मैंने सुबह ही निकाल दिया था आज मशीन को, लेकिन इतनी परेशान की आज मैं लाइट ने, इतनी परेशान की, बहुत वेट करवा के लाइट आई है आज तो। और होता ही है जिस दिन हम मशीन लगाने की सोचते हैं ना उस दिन पक्का लाइट जाती है। बस मैंने सोचा चलो काम वगैरह तो इतना रहता नहीं था क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही बन गया था आज। और ये देखिए इधर जो है खाली ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, और धूप भी काफ़ी हो गई है। सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप निकलाई थी, गर्मियों वाली जैसी गर्मियों में निकलती है ना बहुत कड़ाकेदार धूप। और ये बच्चे देखिए फिर भी खेलते रहते हैं धूप में भी, बहुत लेट तक खेलते हैं ये। और झाड़ू वगैरह निकाल ली थी मैंने अपना खाना वगैरह खाने के बाद, मशीन लगाई हुई थी मैंने सोचा चलो साथ के साथ ही पोछा भी लगा लेते हैं, पोछा लगाना रहता था और अपना काम भी फिनिश हो जाएगा जल्दी जल्दी। और हस्बैंड तो जा चुके थे, उनको काम था कुछ कहीं पे, और बेटा बस जो है उसकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, वो अपनी स्टडी वगैरह देख रहा था। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, ये मॉर्निंग के हुए हैं 11:20 हुई है और अभी काम फिनिश हुआ है मेरा सारा। मेरा लंच वगैरह भी मैंने बना दिया था, सुबह ही बना दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था तो इसलिए सुबह ही बना लिया था। ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही हो गया था हमारा बस। और आज तो मशीन ने ना इतने दुखी की हूँ मैं, सुबह निकाली थी मैंने मशीन और लाइट है ना तकरीबन 9 बजे लाइट आई है, और बस फिर जल्दी जल्दी लगाई मशीन और साथ के साथ और काम भी होता रहा। झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर दिया था मशीन लगाने से पहले ही, बस अभी नहा के आई थी। मैंने सोचा चलो एक बार भी बात नहीं हुई आपसे, जब से वीडियो स्टार्ट की है मॉर्निंग में स्टार्ट कर ली थी और तब से एक बार भी बात नहीं हुई थी। और सुबह तो बस एक बार भी बात नहीं हुई थी, मैं कह रही थी आप लोगों से, मैंने सोचा चलो बात भी कर लेते हैं आपसे और अपनी वीडियो का भी एंड हो जाएगा। और अभी बस चाय बना रही हूँ क्योंकि पूरा काम फिनिश होने के बाद चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है पूरा काम होने के बाद आराम से बैठ के चाय पीना। मॉर्निंग में नहीं पीती हूँ मैं, सिर्फ इसी टाइम पीती हूँ, मन करता है शाम को भी पी लेती हूँ लेकिन ये टाइम मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम है। तो बस चलिए बनाते हैं अपनी चाय।
देखना कैसे हो गए हैं, चिमटी भी लगा रखी है इनके फिर भी, और अभी मैंने छत वॉश की थी और फिर भी देखना हाल कितनी मिट्टी मिट्टी आ गई है। अभी ये उतारूंगी बस थोड़ी देर में चाय वगैरह पीने के बाद इनको मैं, पहले मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। ये गेट तो परमानेंट बंद ही रखना पड़ता है, नहीं तो अंदर का हाल तो बस पूछो मत, इतना बुरा हो जाता है, बहुत बुरा। बस चाय बन रही है और आप लोगों को पता ही है मुझे तो कैसी चाय पसंद है, और सबको ऐसे ही पसंद होती है अच्छे से पकी हुई, देखना पक पक के अच्छे से पक जाएगी। चाय बन के रेडी हो चुकी है, देखिए यम्मी यम्मी सी, बस हाफ कप ही पीती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पीती। तो चलिए पीते हैं चाय, करते हैं अपनी चाय एंजॉय आराम से बैठ के, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप देख रहे होंगे मेरे कानों को, मैंने कानों में कुछ भी नहीं डाल रखा क्योंकि मैंने ना कल आर्टिफिशियल डाल रखे थे और उससे मेरे कानों में ना पेन सा होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बस मैंने निकाल दिया, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कानों को भी रेस्ट मिल जाएगा इसी बहाने, बस इसलिए अजीब से लग रहे हैं ना क्योंकि मैं कमी निकाल के रखती हूँ। तो चलिए करते हैं अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।